खबर राजगढ़ के माचलपुर से, जहां पर नगर में 29 करोड़ की लागत से बनने वाले 132 केवी के उप केंद्र का भूमि पूजन एवं साथ ही साथ शिलान्यास किया गया। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर बलवंत सिंह के साथ। आर्थिक आधार पर जो 10% आरक्षण है वो लागू करने जा रही है। मंत्रियों का एक समूह तैयार करना है, प्रो मिनिस्टर वो इसका पूरा दे रहा है। और निश्चित रूप से आपने देखा दिल्ली में भी संसद में जब ये बिल प्रस्तुत हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया है। जो पार्टी की लाइन और अगर हम इस बात को भी देखें कि यह एक आवश्यकता है आर्थिक आधार पर, क्योंकि जो पिछड़े हुए हैं जी, परंतु उनको और भी आरक्षण का लाभ मिल नहीं पाता जी, उनको लाभ मिलना चाहिए। सर एक और यह था कि सेना का जो अभी ऑपरेशन चल रहा है तो कांग्रेस के मोटिव आपकी ओर से क्या है? देखिए हम देश की रक्षा के बारे में स्पष्ट रूप से हम सब लोग एकजुट हैं और हम मानते हैं कि देश की रक्षा का जहाँ मसला आता है वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सेना का हमें हौसला बढ़ाना चाहिए और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन वीर सैनिकों को, उनके परिवारों को, अपने छाती पे पत्थर रख के उनके परिवार अपने बेटों को वहाँ भेज रहे हैं और वो आज पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान से लुभा ले रहे हैं। मैं निश्चित मानता हूँ कि उनका हमें उत्साहवर्धन करना चाहिए और जो पुलवामा में कायराना हरकत पाकिस्तान समर्थित जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो वहाँ पे पल पोस रहे हैं, वहाँ पे फल फूल रहे हैं, उनके खिलाफ़ जो भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना जो कार्रवाई कर रही है, हम उन सब का पूरे देश उनके साथ खड़ा है और उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। ईश्वर उनको सुरक्षित रखे, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और वो दुश्मन के छक्के छुड़ाए, ऐसा साहस ईश्वर उनको प्रदान करे। आज फिर पाकिस्तान ने हमला किया है, F-16 को मार गिराया, इस पर आप क्या? अगर कोई घुसेगा तो मार के नहीं गिराएंगे तो क्या वेलकम करेंगे? एंटरिंग प्रोसेस में है, इसमें टेंडर होने के बाद में जब इसमें डेढ़ साल लाइन भी। सर जो एंट्री वगैरह है, बाउंड्री वगैरह, इसका काम तो शुरू हो जाएगा इसमें टेंडर, वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, वही सब पूरा कर रहेगा। मटेरियल लेके आएगी, आजकल टन हो रहा है, यानी अभी अनुबंध नहीं हुए हैं, टेंडर हो गए हैं, बस अब प्राइस भी नहीं खुली है। फिर भी लगभग मतलब ये कि 1.5 वर्ष में चालू हो जाए होने की संभावना रहेगी, वो तो अति शीघ्र होगा, जल्दी से जल्दी ठीक सकते हैं इस प्रोसेस के बाद।